हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 नवंबर हो गई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, पीओके पर कार्यवाही करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। उत्तरी सेना के कमांडर बोले कि बस सरकार के आदेश का इंतजार। लॉन्च पैड पर 160 आतंकी मौजूद है। उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर यह बड़ा बयान सामने आ रहा। हाल ही में रक्षा मंत्री की रैली में भी पीओके की मांग उठी थी हिमाचल चुनाव के दौरान। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़े गौरव की बात सामने आ रही है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की बड़ी उपलब्धि। G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ और दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन के आधार पर हमारा भारत। अच्छा, रूस और भारत की दोस्ती के भी 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर रूसी एम्बेसडर ने हिंदी में भाषण दिया और कहा कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। अच्छा, भारत के विदेशी रिश्तों पर एक और खबर आ रही कि अगले 5 साल में दोगुना होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय व्यापार। FTA को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने दी मंजूरी। वहीं देखिए, सरकार ने किसान भाई लोगों को बड़ी राहत दी है, अब बिजली का बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल ये राहत उन किसान भाई लोगों को दी गई है दोस्तों, जिन किसानों के हाल ही में अभी सितंबर अक्टूबर महीने में मानसून के दौरान भारी बारिश हुई और किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा, मतलब बाढ़ वगैरह की वजह से जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई भारी बारिश से, उन किसान भाई लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है कि राज्य की बिजली इकाइयों से जुड़ी एजेंसियां ऐसे किसानों पर बिल जमा कराने के लिए दबाव नहीं डालेगी जिन्हें बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि फिलहाल इस छूट का फायदा केवल महाराष्ट्र राज्य के किसानों को मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार को सभी राज्यों के किसानों के लिए यह घोषणा करनी चाहिए, राइट। अच्छा, मैं देखिए, देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बताए 3 मंत्र। कहा, भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में पावर हाउस बनाना है। भारत के भविष्य पर भी बोले मुकेश अंबानी कि साल 2047 तक इंडियन इकोनॉमी 40 लाख करोड़ डॉलर की होगी और जल्द ही दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा हमारा भारत। वहीं मुकेश अंबानी अपने छोटे भाई अनिल अंबानी की एक कंपनी भी खरीदेंगे क्योंकि वो काफी कर्ज में डूबे हुए हैं अभी, तो इसीलिए रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम का टावर और उस रिलायंस का फाइबर बिजनेस मुकेश अंबानी अनिल अंबानी से खरीदेंगे। 3,700 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, परसों के दिन जो इंडोनेशिया में भूकंप आया था उसमें मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। अब तक 268 हो चुका है मरने वालों का आंकड़ा। कई स्कूली बच्चों ने भी जान गंवाई। 13,000 से ज्यादा लोग इस भूकंप में बेघर हो गए। हालात ये है कि अस्पतालों में जगह नहीं, पार्किंग और सड़कों पर भी लोगों का इलाज किया जा रहा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया में भूकंप के बाद बर्बादी की झलक साफ साफ दिख रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडोनेशिया में इस भूकंप के द्वारा मचाई तबाही पर दुख जताया। संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम बोले कि भारत आपके साथ खड़ा है। इंडोनेशिया के अलावा देखिए दोस्तों, सोलोमन द्वीप पर भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है वहां की सरकार ने। लोगों को ऊंची जगह पर जाने की सलाह दी है। हमारे भारत में भी कल ही भूकंप के झटके आए। कारगिल में भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 थी, हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वह देखिए, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार करार शीर्ष प्राथमिकता। अगले दौर की बातचीत दिसंबर में होगी, ये कहना है उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का। साथ ही भारत यूके FTA पर भी जल्द ही समझौता हो सकता है। छोटे बड़े कारोबारियों को मिलेंगे ब्रिटेन में नए मौके। खबर आ रही कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगा सकती है। जल्द ही ये फैसला हो सकता है और उसके बाद ऑनलाइन गेम खेलना भी महंगा पड़ेगा। अच्छा, वहीं देश के रेल मंत्री की बड़ी घोषणा। बोले कि वंदे भारत ट्रेन अब राजस्थान अजमेर में भी रुकेगी। उन्होंने कहा कि इस रूट से निकलने वाली एक ट्रेन का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान होगा। बड़ी खबर है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों शामिल होंगे। मध्य प्रदेश इंदौर में बोले मुख्यमंत्री शिवराज। गुयाना के राष्ट्रपति सहित 80 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। आपको बता दूं, ये सम्मेलन अगले साल 2023 में 8, 9 और 10 जनवरी को होगा और इसमें देश के PM, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी समेत सभी दिग्गज नेता तो शामिल होंगे, साथ ही दुनिया भर के 80 देशों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा में मनसा देवी मंदिर एरिया अब शराब मुक्त किया जाएगा। सरकार ने ठेकों को बंद करने का फैसला किया है। संस्कृत कॉलेज भी श्राइन बोर्ड चलाएगा और इस मंदिर के 2.5 किलोमीटर तक के एरिया में शराब पर पूरी तरह से बैन लगाने जा रही है हरियाणा सरकार। अच्छा, एक नया नियम आने वाला है। जल्द ही अब आपको चिप्स और बिस्किट के पैकेट पर एक नया निशान दिखाई देगा। FSSAI इस तरह का नया नियम बनाने की तैयारी कर रहा है। FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में कहते इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की तरफ से एक नया मसौदा तैयार किया गया। और इस नियम के मुताबिक आने वाले वक्त में अब आपको खाने पीने से जुड़ी जो पैकेट बंद चीजें आती है ना, उनके लेबल पर एक नया निशान देखने को मिल सकता है। ये निशान GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से जुड़ा होगा। यदि खाने की वस्तुओं में या फिर उसे तैयार करने में इस तरह के पदार्थों
खरीदों में जीएम तकनीक का इस्तेमाल हुआ तो फिर कंपनी को इस बात की जानकारी अपने ग्राहकों को देनी पड़ेगी और उसी के लिए वो नए निशान का लेबल देखने को मिलेगा। अब इस प्रस्ताव पर अगले 60 दिनों के अंदर सुझाव मांगे हैं FSSAI ने खाने पीने की कंपनियों वगैरह से, तो नए साल 2023 में आपको ये भी नया नियम देखने को मिलेगा ना। वही देखिए बड़ी खबर, बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 फरवरी को मतदान होगा और 3 फरवरी को परिणाम आएंगे। अच्छा, सड़क दुर्घटनाओं में जांच की चली आ रही एक ही परिपाटी, लेकिन अब IRAD मोबाइल ऐप से बदलाव होगा। दरअसल रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक नया सिस्टम बनाने जा रही है और इस नए सिस्टम के मुताबिक सड़क दुर्घटना के मामलों में पुलिस की ओर से अब IRAD यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस फॉर्म भरना आवश्यक होगा। ये फॉर्म एक मोबाइल एप्लीकेशन पर सबमिट किया जाएगा जो कि संबंधित जांच अधिकारी की ओर से दुर्घटना स्थल पर जाकर ये फॉर्म भरना होगा, जिसमें सारा डेटाबेस रहेगा कि किस वजह से ये सड़क दुर्घटना हुई, क्या रीजन रहा, क्या सड़क में कोई गड़बड़, पुलिया पर कोई गड़बड़ वगैरह वगैरह। तो इस तरह से सरकार एक नया डेटाबेस तैयार करने जा रही है ताकि रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को अच्छे से एनालाइज किया जा सके और उन पर लगाम लगाई जा सके, है ना। और अगली खबर देखिए, एक्सिस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर एक सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और इसके जरिए शॉपिंग करने पर आपको 20,000 रुपए तक का कैशबैक और फायदा मिलेगा। एक्सिस बैंक के जरिए आप ये क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं। अच्छा, जो लोग घर पर किसी को नौकरी पर रखते हैं, कोई मुनीम रखते हैं, कोई नौकर वगैरह रखते हैं ना, तो उन लोगों के लिए चेतावनी भरी खबर आ रही कि हर 12 डिजिट वाला नंबर आधार नंबर नहीं होता है। किसी को भी किराएदार पर रखने से पहले या नौकरी पर रखने से पहले उसका आधार वेरिफिकेशन जरूरी है ताकि उसकी बैंक हिस्ट्री पता चल सके। उदय ने लोगों को इस संबंध में ट्वीट करके एक बात की जानकारी दी है। और ये आधार वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने किसी को किराए पर अपना मकान का कमरा दिया और वो बंदा कोई फर्जी है, कोई अपराध करने वाला है, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि हाल ही में ऐसी कई तरह की क्राइम घटनाएं आई और उसके बाद उदय ने लोगों को चेताया कि इस तरह से आप उनका आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन ई आधार या एम आधार पोर्टल के जरिए। क्योंकि सामने वाला बंदा 12 नंबर आपको बता रहा, आप सोचोगे कि ये उसके आधार कार्ड के नंबर होंगे, लेकिन वो फर्जी नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन जरूर करें। सिंपली आप उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मंगा सकते हैं और जो आधार पर QR होता ना, उसको आप अपने एम आधार ऐप में स्कैन करके उसके आधार की डिटेल ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, यूनेस्को इंडिया हैकथॉन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन और कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। अच्छा, श्रद्धा आफताब केस के मामले पर खबर आ रही कि आफताब का आज पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हुआ और गिरफ्तारी के बाद पहली बार आफताब का चेहरा भी देखने को मिला। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद फोरेंसिक लैब से निकलते हुए ये आफताब नजर आया। ये पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट की प्रोसेस तकरीबन 1 सप्ताह तक चलेगी। रोज घंटों तक आफताब से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही हमें कोर्ट से, न्यायालय से ये उम्मीद है कि श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा और इसके गुनहगार आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में पुरानी इमारतें तोड़कर नई बिल्डिंग बनाना अब आसान होगा। बनाई जाएंगी हाई राइज इमारतें। दरअसल मध्य प्रदेश के हाउसिंग बोर्ड ने एक हाउसिंग रीडेवलपमेंट को लेकर नई पॉलिसी तैयार की है और इस पॉलिसी के तहत पुरानी जर्जर बहुमंजिला इमारतों को ढहाया जाएगा और उनकी जगह पर नई बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की 30 साल से ज्यादा पुरानी इमारतों को तोड़कर नई हाईटेक बिल्डिंगों को बनाया जाएगा। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही, कृपया ध्यान दें। रेलवे की दिल्ली PRS सेवाएं 26 और 27 नवंबर को 3.5 घंटे तक बाधित रहेगी। 26 और 27 की मध्य रात्रि में 3.5 घंटे तक अस्थायी रूप से स्थगित रहेगी PRS की सेवाएं। 26 नवंबर की रात 11:45 से 27 नवंबर सुबह 3:15 तक ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हो सकेगी। रेलवे समय समय पर अपने सिस्टम को अपडेट करता है और इसीलिए ये सेवाएं बंद रहेगी। और इस दौरान आपको क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलेगी ऑनलाइन, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए अगला अपडेट, UP बोर्ड के स्कूलों में गणित और विज्ञान विषय को रोचक बनाएंगे अब सुपर मास्टर और इसके लिए शिक्षकों को भी गाइड किया जाएगा। यूपी सरकार यह नई पहल शुरू करने जा रही ताकि गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को भी स्टूडेंट आसानी से समझ सके। वही देखिए अगला अपडेट आ रहा, नए साल में मिलेगी नई सुविधा, व्यापारियों को इससे फायदा होगा। रेल पार्सल पर अब बार कोडिंग लगाई जाएगी जिससे कि मोबाइल से भी ट्रैक किया जा सकेगा कि आपका रेल में कोई पार्सल भेजा गया या पार्सल आ रहा तो वह कहां तक पहुंचा है। इस बात की लाइव ट्रैकिंग आप मोबाइल ऐप के जरिए कर पाएंगे। तो रेलवे स्टेशन से भेजे जाने वाले सभी पार्सल में धीरे धीरे बार कोडिंग की सुविधा शुरू की जा रही इंडियन रेलवे के द्वारा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए आप, व्हाट्सएप ने एक और नया फीचर पेश किया है। अब डेस्कटॉप पर भी आप कॉल हिस्ट्री चेक कर पाएंगे। हालांकि ये सुविधा फिलहाल कुछ यूजर्स के लिए जारी की गई है, धीरे धीरे सभी यूजर्स के लिए ये रोल आउट कर दिया जाएगा। डेस्कटॉप वर्जन में भी कॉल टैप फीचर को लॉन्च किया है व्हाट्सएप ने और उसमें आपको कॉल हिस्ट्री वगैरह भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी व्हाट्सएप के डेस्कटॉप चैट को भी आप लॉक कर सकेंगे। इस तरह का नया प्राइवेसी फीचर भी जल्द ही व्हाट्सएप में लॉन्च किया जाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, महंगाई का एक और बड़ा झटका, विमानन कंपनियों ने अपनी मनमानी दिखाते हुए 2 से 3 गुना तक हवाई किराए को बढ़ा दिया। राजधानी दिल्ली के किराए में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद फ्लाइट से सफर करना आपका और ज्यादा महंगा हो जाएगा।
अच्छा वही देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, असम मेघालय बॉर्डर पर हिंसा हुई कली और फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई और उसके बाद 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। दरअसल ये हिंसा हुई असम मेघालय बॉर्डर पर लकड़ी तस्करों को रोकने के लिए। हिंसा भड़क गई और इसमें प्रशासन ने गोलीबारी की। इसमें वन रक्षक समेत 6 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सोंग की तरफ से हिंसा में मारे गए प्रत्येक व्यक्तियों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की भी घोषणा की है और सरकार ने एहतियात के तौर पर मेघालय राज्य के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया। अच्छा हवाई सफर करने वालों के लिए एक गुड न्यूज भी आ रही है। एयर एशिया के यात्रियों को अब उड़ान के दौरान पसंदीदा फिल्म और वेब सीरीज देखने की सुविधा भी मिलेगी। वहीं देखिए गुजरात चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। गुजरात के एक और पूर्व विधायक ने पार्टी बदल दी है। गुजरात के दहगाम से विधायक रही कामी नीबा राठौर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गई है। अच्छा सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों के लिए चेतावनी भरी खबर, सावधान रहे। फेसबुक पर कॉन्टेक्ट करके एक युवक के साथ 56,000 रुपए की ठगी कर ली गई। आरोपी ने खुद को CISF का जवान बताया। कई लोग आजकल फेसबुक पर ऐसे मैसेज करके ठगी करते हैं जैसे मैं तो IPS अधिकारी बोल रहा हूँ या मैं फलाने जिले का कलेक्टर हूँ। इस तरह से आपसे फेसबुक वगैरह पर धोखाधड़ी हो सकती है। ऐसे फर्जी लोगों से भी सावधान रहे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ये इस शख्स के साथ 56,000 रुपए की ठगी की गई है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा बिजली कर्मचारियों को दिल्ली पुलिस ने दिया बड़ा झटका। रामलीला मैदान की परमिशन नहीं मिली, अब संसद कूच करेंगे कर्मचारी, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करेंगे। वैसे हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर आ रही है। स्कूलों में अब मेज और कुर्सी पर यानी कि टेबल कुर्सी पर पढ़ेंगे हरियाणा के बच्चे। शिक्षा विभाग ने तकरीबन 1.5 लाख डुअल डेस्क का ऑर्डर भी दिया इसके लिए। 95 करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा राज्य सरकार को। साथ ही हरियाणा में नौकरी पेशा छात्रों का भी अब मूल्यांकन होगा। ऑफिसर्स तैयार करेंगे मासिक बैठक एजेंडा, सर्विस प्रोवाइडर के साथ करनी होगी मीटिंग। राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए भी सरकार काम कर रही है। हरियाणा में अब कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी नौकरी कर रहे छात्रों का सरकार इसलिए मूल्यांकन कराएगी। अच्छा राजस्थान में बिजली संकट भी पैदा हो सकता है। 7 प्लांट अभी बंद पड़े हुए हैं। सर्दी में गर्मी से ज्यादा हो रही बिजली की डिमांड, औसत 4 दिन का कोयला मौजूद है। खेल समाचार पर खबर है, भारत ने T20 सीरीज को जीत लिया क्योंकि कल बारिश के कारण तीसरा मैच टाई हो गया। अर्शदीप और सिराज ने 4-4 विकेट झटके और फाइनली टीम इंडिया ने सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये नेपियर में मैच खेला गया था। वह देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर कि भारत की पहली गियर्ड इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लॉन्च हुई है। यानी कि ये बाइक तो इलेक्ट्रिक है लेकिन इसमें आपको गियर मिलेंगे। नाम है इसका Mattr 07। इसमें आपको 4-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। अहमदाबाद बेस्ड EV स्टार्टअप मैटर एनर्जी की तरफ से भारत में ये पहले इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लॉन्च की गई है जिसमें गियर मिलेंगे। फुल चार्ज करने पर आपको 125 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज देगी। फुल चार्ज होने में 5 घंटे तक का समय लगता है। और साथ ही बजाज पल्सर P150 पर भी खबर आ रही है कि 150 cc सेगमेंट में बजाज ने एक नई पल्सर बाइक उतारी है। इसका भी लुक वगैरह आप देख सकते हैं। अच्छा बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, SBI सहित कई बैंकों ने FD के रेट्स बढ़ाए हैं हाल ही में इस नवंबर महीने में भी। तो अभी मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि 1 साल तक की FD पर कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा है। ये देख सकते हैं आप इस चार्ट में, ICICI बैंक 6.10% दे रहा, SBI और HDFC भी यही इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। एक्सिस बैंक 6.25% और पंजाब नेशनल बैंक 6.30% अधिकतम ब्याज दे रहा 1 साल तक की FD पर। ओके और वही देखिए दोस्तों, पेटीएम का शेयर गिरता जा रहा, 10% की टूट के साथ और 500 रुपए नीचे आया स्टॉक का भाव। वैसे शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए आप, सेबी ने इस कंपनी को 6 महीने तक के लिए मार्केट से बैन कर दिया। अब ये कंपनी निवेशकों को सलाह नहीं दे पाएगी। कंपनी का नाम है फ्यूचर प्लस सर्विसेज और इसके प्रोपराइटर मनीष परिहार पर निवेश की सलाह देने से बैन लगा दिया सेबी ने। ये कंपनी अब मार्केट में काम नहीं कर पाएगी, है ना। ध्यान रखें अगर आप भी स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो। वैसे दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे लेकिन फिलहाल मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कड़ाके की ठंड का अलर्ट है राजस्थान में, 5 डिग्री के नीचे आया पारा। पहाड़ों में बर्फबारी से तेजी से मौसम बदल रहा है। संपूर्ण भारत का आज 23 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर बारिश की चेतावनी। सराफा बाजार पर नजर डाले तो देखिए आप, सोना महंगा हुआ, चांदी 856 रुपए मजबूत हुई है। सोने के भाव में 30 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अभी सोना 52,731 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी में 856 रुपए की बड़ी तेजी आई। अभी चांदी का रेट 61,518 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 294 नए मामले सामने आए और राहत की बात यह रही कि कोई भी मौत नहीं हुई है और सक्रिय मामलों की संख्या में भी बड़ी गिरावट आई। अभी कोरोना के एक्टिव केस 6,209 रह गए भारत में, है ना। और चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए CBSE के 10th एग्जाम 2023 पर खबर आ रही कि 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से शुरू होगी। साथ ही CBSE ने 9वीं और 10वीं के लिए पहली बार प्रैक्टिस बुक भी लॉन्च की है। आप CBSE के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। SSC CGL एडमिशन कार्ड 2022 Tier 1 के लिए जारी हो चुके हैं। 1 से 13 दिसंबर तक हो गए एग्जाम। मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर, 20
क्रेडिट स्कोर होने पर फाउंडेशन कोर्स में फेल होने पर अब सप्लीमेंट्री भी मिल सकेगा और इससे राज्य में तकरीबन 12 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में मदरसे में बच्चे नहीं पढ़ पाए हिंदी और अंग्रेजी। हालात ये है, मदरसों में हिंदी इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जा रही है। तो अब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने मदरसों का निरीक्षण किया और जन सुनवाई में लोगों की शिकायतें भी सुनी। वहीं एमपी स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही, गणित और अंग्रेजी का पेपर देना है या नहीं ये फैसला खुद स्टूडेंट्स ले पाएंगे। मध्य प्रदेश में छात्र छात्राओं के लिए 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को इस साल ये ऑप्शनल चॉइस मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा भी स्कूलों में अब प्री प्राइमरी से ही बच्चों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग जैसे विषय भी एजुकेशन सिलेबस में शामिल किए जाएंगे, है ना। तो ये कुछ एजुकेशनल अपडेट रहे। आइए फटाफट से मैं आपको देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां बता देता हूं। देखिए, राजस्थान जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए सरकार ने 993 करोड़ रुपए का बजट किया मंजूर। बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक विकास होगा मेट्रो का। 5,10,000 रुपए में मारुति की एक और नई 7-सीटर कार हुई लॉन्च और अब ये 30% ज्यादा माइलेज भी देगी क्योंकि सीएनजी वेरिएंट भी इसका आ चुका है। अच्छा, अमेजॉन फेसबुक के बाद अब गूगल कंपनी भी कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। 10,000 एम्प्लॉइज को निकालने का प्लान बना रही है अल्फाबेट कंपनी। दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बनेगा एरो सिटी। दूसरे रनवे के लिए सरकार खुद देगी जमीन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की यह बड़ी घोषणा। अपकमिंग आईपीओ पर खबर आ रही है, प्रोटीन इगो और बालाजी स्पेशलिटी के आईपीओ को भी सेबी ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इन कंपनियों के आईपीओ भी आपको निवेश के लिए देखने मिलेंगे। वहीं देखिए, यूक्रेन में 1 करोड़ घरों में बिजली नहीं है। रूसी मिसाइलों ने तबाह की एनर्जी सप्लाई। -20 डिग्री तापमान में भी लोग बाग घर छोड़ने को मजबूर हैं, 30 लाख लोग। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 15 तारीख को अस्पतालों में मनाया जाएगा निक्षय दिवस। टीबी के खिलाफ एक्शन मोड में है सरकार। ग्रामीण से लेकर शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को भी निर्देश जारी कर दिए योगी सरकार ने। अब यूपी में हर महीने की 15 तारीख को टीबी उपचार के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। निक्षय दिवस के रूप में सभी अस्पतालों में लोगों को अवेयर किया जाएगा। वहीं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सीएम योगी बोले कि यूपी देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य भी है और साथ ही दुग्ध उत्पादक में भी सबसे नंबर 1 स्टेट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश मेरठ के पेट्रोल पंपों की भी अब हर सप्ताह होगी जांच। डीएम ने 7 टीम गठित करके दी जिम्मेदारी ताकि पेट्रोल पंप फर्जीवाड़ा ना करें, है ना। वहीं मेरठ का नाम कर देंगे नाथूराम गोडसे नगर। हिंदू महासभा लड़ेगी निकाय चुनाव और हिंदू महासभा ने अपने निकाय चुनाव में इस तरह का घोषणा पत्र भी जारी किया। यूपी अलीगढ़ के डीएम ने भी निर्देश दिए, अलीगढ़ में दुर्घटना वाले क्षेत्र अब चिन्हित किए जाएंगे, साथ ही डिवाइडरों की भी मरम्मत की जाएगी। और इसके अलावा देखिए, वाराणसी में अब सरकारी अस्पताल की पैथोलॉजी होंगे ऑनलाइन। समय की बचत के साथ ही लाइन में लगने से भी मरीजों को मिलेगा निजात। वहीं यूपी के ग्लोबल समिट की दिल्ली में भी लॉन्चिंग हुई। योगी बोले कि ये नए भारत का नया यूपी है। 10 लाख करोड़ का निवेश होगा यूपी के इस जीआईएस समिट में। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश में माहौल चल रहा है। देखिए कुछ और बड़ी खबरें। कल ही चीन में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक प्लांट में आग लगने से 38 लोगों के जान जाने की खबर है। 2 लोग लापता, 2 घायल हैं। हादसे के पीछे साजिश का भी शक है। एक प्राइवेट कंपनी के प्लांट में आग लग गई अचानक से और आग कितनी भयानक थी ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई शुरू। मध्य प्रदेश को 25 मीटर जूनियर मेन पिस्टल टीम इवेंट में कांस्य मिला। स्कूलों के बच्चे भी इसको लाइव मैच को देख पाएंगे। एमपी की राजधानी भोपाल में ये सोमवार से आयोजित हुई है। अच्छा, पंजाब में आनंद कारज मेरिट एक्ट में सरकार बदलाव करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रकाश पर्व पर ऐलान किया था कि कहीं भी रजिस्टर्ड हो सकेगी अब शादियां। वैसे पंजाब की बात हो रही तो देखिए आप, पंजाब पुलिस को भी एक बड़ा सबक मिलने जा रहा। गनमैनों के सामने हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने बड़ा सबक लिया। अब टारगेट की सुरक्षा में तैनात कर्मियों की होगी कमांडो जैसी ट्रेनिंग। अच्छा, साथ ही मोहाली जिले में भी 22 आम आदमी क्लिनिक बनाए जाएंगे। 31 दिसंबर तक ये चालू हो जाएंगे, जहां 41 तरह के टेस्ट बिल्कुल फ्री होंगे। तो ये कुछ पंजाब सरकार नई प्लानिंग बना रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। देश में पहली बार आत्महत्या को रोकथाम के लिए भी रणनीति बनाने जा रही सरकार और इस तरह की चीजों से बच्चों को मजबूत करने के लिए ऐसे टॉपिक को सरकार सिलेबस में जोड़ने की भी प्लानिंग बना रही है, स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दूध को मिलेगी नई पहचान। अब J&K मिल्क के नाम से बाजार में आएगा जम्मू में दूध। स्थानीय डेयरियों से आने वाले दूध को इस नए लेबल से बाजार में बेचा जाएगा। हिमाचल प्रदेश शिमला में बर्फबारी से निपटने की तैयारी। नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट पर लेगा स्नो कटर। 3 वार्डों के लिए मिलेगी 1 मशीन। अच्छा, दिल्ली में जो अभी एक मंत्री के मसाज का वीडियो वायरल हुआ था ना, तो उसमें एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि वो मसाज करने वाला लोग रेप का आरोपी है। तिहाड़ के अफसर बोले कि वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट हुआ जेल का ही एक कैदी है। अच्छा, वही देखिए, भारत में इंजीनियर हायर करेंगे मस्क। ट्विटर को डिसेंट्रलाइज करने का प्लान। एम्प्लॉइज को भी शेयर देंगे। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों बॉलीवुड से। देखिए, शहजादा का फर्स्ट लुक आउट हुआ। एक्शन अवतार में दिखे कार्तिक आर्यन। 10 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होगी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी ओडिशा। सही ऑप्शन कौन सा कमेंट में लिखिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि
रखिए। आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।